राहुल वैद्य केप टाउन की ब्यूटी को निहारते हुए सभी को बता रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया है उनको ये जुखाम। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल बातों ही बातों में कहीं ना कहीं राहुल वैद्य ने बता दिया है दैट व्हाट इज द स्टंट ही जस्ट डिड। जी हाँ, पहले तो राहुल वैद्य केप टाउन की ब्यूटी को निहारते हुए हम सभी को दिखा रहे होते हैं दैट हाउ ब्यूटीफुल इज केप टाउन एंड इट इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। जो भी सीनरीज हैं, जो भी साइट्स हैं, जो भी कंटेस्टेंट शेयर कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है साफ कि केप टाउन कितनी ब्यूटीफुल सिटी है। वहीं अगर बात करें राहुल वैद्य के स्टंट की, तो दरअसल उनको जो है बात करने में ऐसा लग रहा था जैसे कोल्ड हो रखा हो। और पहले तो हमको थोड़ी टेंशन हुई दैट दिस कोल्ड शुड नॉट बी समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि अभी फ्लू चल रहा है, कोविड चल रहा है, सो यू शुड बी सेफ। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने फैंस की कंसर्न को पहले से ही समझते हुए बता दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मुझे कोल्ड हुआ है, बट दिस इज नॉट दैट कोल्ड व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन डन ओवर हियर, और वो आपको जल्दी ही पता चल जाएंगी। यानी कि उन्होंने बातों ही बातों में बता दिया कि एक स्टंट उन्होंने किया होगा जिसके बाद उनको कोल्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर दैट ही मस्ट हैव जम्प्ड इनटू। जी हाँ, ठंडे पानी वाला स्टंट किया है राहुल वैद्य ने, और इससे साफ पता चल गया है दैट राहुल वैद्य हैज बीन अ पार्ट ऑफ वाटर स्टंट, और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है ये तो देखना पड़ेगा। भैया बता दें कि जुलाई से ही खतरों के खिलाड़ी का स्क्रीन पर आने का जो समय है वो ड्यू बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है दैट दीज कंटेस्टेंट्स विल बी रिटर्निंग सून फ्रॉम केप टाउन। इट इज लाइक 22 जून व्हेन इट दीज कंटेस्टेंट्स हैव टू रिटर्न फ्रॉम केप टाउन। राइट नाउ तो अभी सारी शूटिंग्स चल रही हैं, जल्दी ही एलिमिनेशन का दौर भी शुरू होगा जब धीरे धीरे कंटेस्टेंट्स लौटते जाएंगे वापस। देखने में मजा आने वाला है किस तरीके से राहुल वैद्य ने अपना ये स्टंट परफॉर्म किया है जिसके बाद उनको कोल्ड हो गया है। सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर के बारे में, राहुल की इस छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में, जहाँ वो स्टंट को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर ही देते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं, लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।